नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुगेदर चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपीएससी का एनडीए का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जॉब और करियर के रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में आपके लिए अपलोड होता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का फर्स्ट जो डेट है वो है 7 जून 2017 और लास्ट डेट है 30 जून 2017 को। दोस्तों लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 30 जून 2017। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा इंडिया का वो होगा 10 सितंबर 2017 को, और जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो सितंबर में ही निकलेगा। दोस्तों आप बात करते हैं टोटल नंबर का वैकेंसी के बारे में, तो हमारा जो ये पोस्ट है यहाँ पे टोटल नंबर का जितना वैकेंसी है वो है 390, और इसको दो हिस्सों से बांटा गया है। एक है नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब कि एनडीए का, और दूसरा है आपका नेवल एकेडमी। दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका 335 नंबर का पोस्ट है और नेवल एकेडमी का 55 पोस्ट है। तो दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी के जितने भी पोस्ट निकले हैं उसमें से इंडियन आर्मी पे लेगा 208 पोस्ट, नेवी पे लेगा 55 पोस्ट, और इंडियन एयरफोर्स में लेगा 72 पोस्ट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो हमारा जो फर्स्ट पोस्ट है आर्मी विंग उसके लिए जो हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो होगा सिर्फ 12 पास। ठीक है दोस्तों। और जो एयरफोर्स और नाभाल विंग के लिए है उसके लिए हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए आपको 12 पास होना है, वो भी फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो जिस बच्चे का एज 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2002 साल के अंदर होगा वही बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में, तो हमारा फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट। दोस्तों आप बात करते हो कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो एग्ज़ाम सेंटर को आप देख लीजिए, ये आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखा गया है। तो फर्स्ट आपका अगरतला, अहमदाबाद, आजीवाल, इलाहाबाद, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड, दिसपुर, गैंगटक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पोर्टबायलर, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम। दोस्तों इसको जो मैंने बोला यहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि पे स्केल कितना होगा, तो आपका जो बेसिक पे स्केल होगा वो 15,600 से लेकर 39,100 तक, और जो ग्रेड पे होगा वो है 5,400 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। आप बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो है 100 रुपीज़, और अदर जो कैंडिडेट है मतलब कि एससी एसटी सोन ऑफ जेसीओएस एनसीओएस आरओएस इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करें, तो इसके लिए आपको www.upsc.gov.in पर जाना होगा और वहाँ से जाकर फॉर्म फिलअप करना होगा। दोस्तों हर बार की तरफ इस बार भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।